आज मैं आपका एक बिल्कुल नई डिश के साथ हाउस ऑफ पूर्णा में स्वागत करती हूँ। ये डिश जो मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बनाऊंगी, जबकि ये बिहार की बहुत फेमस डिश है, लिट्टी चोखा। लिट्टी के साथ जो चोखा बनाया जाता है वो बैंगन और आलू के साथ बनाया जाता है, और उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया जाता है, और मस्टर्ड ऑयल भी बिल्कुल रॉ फॉर्म में डाला जाता है। लेकिन इसी रेसिपी को मैंने नॉर्थ इंडियन टेस्ट से बनाऊंगी। इसमें आप समझिए कि आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन का भरता, जो खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भरते वाला बैंगन लेंगे और इसको स्लिट कर लेंगे 3-4 जगह से, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और इस पर थोड़ा सा ऑयल से ब्रशिंग कर देंगे, जिससे इसके छिलके बहुत ही आराम से उतर जाएंगे और ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। और अब हम इसको गैस पर भून लेंगे। इस तरह से आप स्टैंड रख लें, अगर स्टैंड ना हो तो डायरेक्ट भून सकते हैं। अब ये बैंगन पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। ठंडा होने पर इसको पील करके इसके सारे छिलक इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको मैंने छील लिया है, इसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी बैंगन में कीड़ा आ जाता है, तो इसके लिए हमें इसको पूरी तरह से चेक करना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है, अब हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने आलू को बॉईल करके भी छील लिया है, और इसको भी हम मैशर से मैश कर लेंगे। तो आइए इसका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है, ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब ये मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं आधी चम्मच जीरा डालूंगी। जीरे के चटकने पर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। देखिए इसी स्टेज पर हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेटेड अदरक, इसको भूनते हुए साथ ही साथ हम डाल देंगे कट टमाटोज। अब देखिए कि प्याज टमाटर हमारा भुन गया है और ऑयल साइड्स पर आ गया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, रेड मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डालें, क्योंकि अब हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली है। और आधी चम्मच हम डाल रहे हैं सूखा धनिया, 1/4 चम्मच काला नमक, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बॉईल करके जो मैश करके हमने पोटैटोज रखे थे, पहले मैं इनको डाल रही हूँ और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैश किया हुआ बैंगन, और इसके साथ ही ये डाल रही हूँ मैं लेमन जूस। इस तरह से स्लो आंच पर हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए अब ये काफ़ी भून चुका है, और जैसे ये भून जाता है तो ये कढ़ाई को छोड़ने लगता है। ये देखिए अब ये भरता सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसको बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश करेंगे। आलू बैंगन का ये भरता बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं इस रेसिपी से भरता कैसा बना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।